नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं अपनी टीम के साथ में आज मैं आगरा में पहुंचा हूं और आज मैं आप लोगों को आगरा की सैर कराऊंगा। आगरा की सैर कराने के लिए हमारे साथ में पूरी टीम जो है वो पूरी स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लोग जो है काफ़ी सेल्फी लेते हैं और जब आगरा कैंट पे यहाँ पे उतरते हैं तो लोगों का एक अलग ही जो होता है, लोग आगरा आते हैं। जी हाँ, मैं आगरा का आपको बता दूँ, आगरा का ताजमहल, जी हाँ, यहाँ पे देखने के लिए आगरा का ताजमहल लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। हमारे साथ में कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी पूछने की कोशिश करता हूँ कि क्या आप लोग आगरा घूमने आए। आंटी जी, आप लोग क्या आगरा घूमने आए हैं? हम आगरा ही घूमने आए हैं। आगरा घूमने आए जी। अंकल जी, कैसा लगा आपको आगरा? आगरा बहुत अच्छा लगा। कौन सी ट्रेन से आए हैं आप? ताज एक्सप्रेस से। बेटा, आपको पहली बार आए हो? नहीं, यहाँ दूसरी बार आए। दूसरी बार आ रहे हो, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है लोगों की तादाद जो है वो बड़ी हुई है और आगरा का जो ताजमहल है वो अपने आप में एक अजूबा है जो हमारे देश के अंदर में जिसको बोला जाता है कि वो सातवां अजूबा है। मैं और लोगों से आप लोगों की मुलाकात कराता हूँ, अगर देखते हैं वो लोग क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब, आप आगरा आए हैं घूमने के लिए? कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं सर, कौन सी ट्रेन से आए हैं? मैं ताज एक्सप्रेस से। क्या आगरा ताजमहल देखने आए हैं? नहीं, ताजमहल तो बहुत दिन पहले देखा हुआ है। अच्छा, मैंने होम टाउन मेरा आगरा ये है, इसलिए मैंने। अच्छा जी। बेटा, आप भी ताजमहल देखा है आपने? यस। अच्छा, ताजमहल देखा है, अच्छा लगा है आपको? हाँ। पहले गए हो आप? हाँ, बहुत बार गए हूं। अच्छा, पहले बहुत बार गए हो पापा के साथ? है। हाँ। चलो, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है काफी लोग जो है जिनका होम टाउन भी है यहाँ पर आते हैं लोग और यहाँ रुकते हैं और काफी लोग जो यहाँ पे आते हैं वो ताजमहल देखने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ। मैं इस समय आप लोगों को बता दूँ, ये आगरा का जो है वो रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन जो है आप देख सकते हैं आगरा छावनी। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाया जाए, जूम करके दिखाओ जरा थोड़ा सा। आप ये सामने देख सकते हैं आगरा छावनी है, उत्तर मध्यम रेलवे, और यहाँ पे जो लोग हैं काफी लोग आए हुए हैं। आप भी आगरा आए हैं भाई साहब घूमने? ताजमहल घूमने? जी जी। अच्छा, मास्क उतार दो जरा थोड़ा सा, आपकी फेस भी तो आना चाहिए। कैसा लगा आपको आगरा? बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है स्टेशन? ठीक है। पहले के जो यूपी के अंदर में जिस तरीके से बदलाव हुआ है आपको? काफी अच्छा है। काफी अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में हमारे एक और भाई सेल्फी ले रहे हैं भाई की। भाई जी, आप पहले कभी आए हो आगरा? नहीं, पहले कभी नहीं। पहली बार आ रहे हो? पहली बार। कैसा लग रहा आपको? अच्छा लग रहा। नाम बताओ आप अपना। मेरा साद नाम है। क्या कहना चाहोगे यूपी के अंदर आगरा में आए हो तो? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को बताओ आप, लोगों को क्या कहना चाहोगे? लोगों का यहाँ आए घूमे, बहुत अच्छा है यहाँ पे। बहुत अच्छा है। चलिए, आपके साथ में और कौन कौन आया हुआ है? पे हमारी जो टीम है वो पूरी हमारी टीम है कैमरे के पीछे और मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल रेलवे स्टेशन से जैसे ही मैं आगे निकल करके आता हूँ यहाँ पे साइड में राइट साइड के अंदर में जो है वो ऑटो रिक्शा स्टैंड है और ये जो चौक है ये अटल चौक है। सामने आप मूर्ति देख सकते हैं, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति है और ये आगरा का जो खास जो चौक है अटल चौक के नाम से रखा गया है। मैं आप लोगों को आगे भी दिखा देता हूँ, ये ऊपर यहाँ से दिखा दो जरा एक बारी मूर्ति, ये आप मूर्ति देख सकते हैं, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो है ये मूर्ति है कि प्रतिमा जो है अनावरण श्री नवीन जैन जी ने किया है। ये महापौर थे और द्वारा दिनांक 28/6/2019 को किया गया है। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी हैं, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी हैं, मोहम्मद सांसद हैं, मोहम्मद ये माननीय सांसद हैं जो आगरा के हैं और माननीय विधायक हैं जो छावनी के हैं, श्री अरुण प्रकाश आईएएस हैं, नगर आयुक्त है नगर निगम आगरा के अंदर, इस समय हम लोग उपस्थित हैं। और आप लोगों ने ये देखा कि ये जो चौक है ये अटल चौक के नाम से, ये अपने आप में एक विख्यात चौक है जो अटल चौक के नाम से जाना जाता है। आप ये देख सकते हैं ये चौक है, लेकिन अभी जो यहाँ पर सफाई वगैरह जो है मतलब ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ जो लोग हैं वो दीनदयाल उपाध्याय जी के बगल में यहाँ पे सो रहे हैं। और देख सकते हैं आप ये यहाँ पर जो प्रतिमा है, उत्तर मध्य रेलवे स्थान है जो आगरा की छावनी है मेरे राइट साइड में भी, और काफ़ी मतलब दूर तक ये आगरा जो सिटी है, इस समय हम लोग आगरा के ताजमहल आप लोगों को लेकर के चलते हैं आगे आपको लेकर के अंदर में। सामने लाल किला है आगरा का और इस समय हम लोग जो चौक पे खड़े हैं वो वीरांगना इलकारी
बाई कोहली का जो ये मूर्ति जो लगी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो चौक है। अब यहाँ से जो है ताजमहल पश्चिमी गेट पार्किंग की तरफ में हम लोग यहाँ से निकलेंगे और देखते हैं कि क्या हमारे को सवारी मिलती है। एक तरफ टांगा भी है, रिक्शा भी है और बैटरी रिक्शा भी है, तो जैसा होता है हम लोग आप लोगों को आगे लेकर के। आप ये देख सकते हैं मैं इसी चौक पर जो खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए ये बिजली वालों का जो है हिसाब किताब, ये पूरा तार जो है, पूरा वायर जो है वो पूरा नग्न अवस्था में है। आज जो इसके ऊपर में हाथ लगाया वो समझो गया, और जब गया तो आप समझ सकते हैं कि कितना कितना। इसके बिल्कुल ठीक बगल में मैं आप लोगों को एक चीज और दिखा रहा हूँ, इस पे तार लगाइए और सीधे मोक्ष धाम जाइए, हाथ लगा दीजिए तार पूरा खुला हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। अब मैं यहाँ के जो प्रशासन अधिकारी जो बिजली विभाग जो है, मैं इनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस समय मैं आगरा के जिस चौक पे जहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे एक भाई साहब हैं, जरा मैं इनसे भी एक बारी बात कराता हूँ, ये बताएंगे कौन सा चौक है, ये अच्छे तरीके से बता सकते हैं कौन सा चौक है भाई साहब। ये विक्टोरिया पार्क। विक्टोरिया पार्क, आप ये बताइए जब कब से खुला होगा ये? क्या चीज़ जो तार जो नंगी पड़ी है ये, इसमें तो कई लोगों को करंट। तार तो ये यूं खुल जाते हैं, जैसे कभी लाइट खराब हो जाती है तो इसलिए तार खुल जाते हैं। तो बिजली विभाग को, बिजली विभाग को आकर के यहाँ पे टेपिंग वगैरह करना ये जरूरी है ना फिर तो? हाँ जरूरी लीजिए, तो हाइट से भी बहुत, अगर बच्चा भी अगर कभी छू देगा यहाँ पे तो उसको करंट नहीं लगेगा क्या? हाँ वो तो लगेगा, लगेगा ना, लगेगा। तो ये तो गलत है ना, ये गलत है, गलत है ना, ये प्रशासन को इसको ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ देना चाहिए, देना चाहिए ना। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो है इस चीज को दुरुस्त कराइए, नहीं तो खाली पीली के अंदर में आप ये समझिए कि बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे कोई भी आकर के आप लोग यहाँ पे एक तरह देखिए स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट है, स्मार्ट जो है यहाँ पे टॉयलेट वगैरह बने हुए हैं और ताज व्यू प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है और बिजली का पूरा प्लांट भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मोक्ष की जो प्राप्ति है वो इस खंभे के द्वारा हो सकती है जो यहाँ पे ये नंगी तार पड़ी है। यूपी के प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन सब चीजों को दुरुस्त कराए ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, जान माल का नुकसान ना हो। जो है इस समय यहाँ से बैटरी रिक्शे पर बैठ चुके हैं और अब जा रहे हैं हम लोग ताजमहल की ओर। आप लोग को मैं दिखाता हूँ, आप जो है यहाँ का व्यू दिखाएं, कैमरामैन से कहूँगा यहाँ का व्यू दिखाते रहें, और हम लोग आगे चल रहे हैं धीरे धीरे। बैटरी रिक्शा है और हमारे को सीधे गेट पर लेकर के जाएंगे, फिर आगे हम लोग आपको आगे माइक वगैरह तो अंदर नहीं लेकर के जाने देंगे, लेकिन हम जो है अपना जो फ़ोन लेकर के जाएंगे हम लोग उसी से अपनी वीडियो को जो है वो शूट करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप लोग देखते रहिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग बने रहिए, हम लोग ताजमहल चलते हैं। बैटरी रिक्शा पकड़ा था चौक पे से, तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और ये है पश्चिमी पार्किंग जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मार्केट लगी हुई है पीछे बिल्कुल बैक साइड में मेरे, और ये पूरी मार्केट जो है आगे जा करके पूरी पार्किंग है, यहाँ पे पार्किंग है। और हम लोग यहाँ से होते हुए जो है गार्डन है, गार्डन से होते हुए हम लोग ताजमहल की तरफ निकलते हैं, और जो हमारी टीम है पूरी हमारे साथ में है और हम लोग इसी गार्डन के द्वारा आगे चलते हैं और आप लोगों को लेके चलते हैं आगे और आप लोगों को दिखाते हैं गार्डन से किस तरीके का रास्ता है और आप लोगों को किस तरीके से आना है, जो तो जो कि हम लोगों ने अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने बता भी दिया। पश्चिमी जो है वो यहाँ पर जो है वो पार्किंग है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लोग धीरे धीरे जो है ताजमहल की तरफ इस गार्डन से बढ़ते जा रहे हैं, लोग ताजमहल देखने के लिए आ रहे हैं और मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ उस तरफ, और है वो आप लोगों को लग रहा है हम लोग आगे लेके चलते हैं और आगे जो लोग हैं उन लोगों से हम लोग अभी पूछने की कोशिश करते हैं। आप लोग बने रहिए आप लोग हमारे साथ में, देख सकते हैं बिल्कुल ठीक मेरे पीछे जो है अमानती सामानघर यानी कि क्लोक रूम है। यहाँ पर
जो भी यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, वो लोग यहाँ पर आकर के अपना जो लगेज होता है उसको यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। और बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मेरे बाई तरफ जो देखेंगे आप, यहाँ पे जो है वो मीना बाज़ार है, जहाँ पर काफ़ी तरीके की, काफ़ी वैरायटी की जो है वो साड़ियाँ, सूट वगैरह जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। मैं आप लोगों को क्लॉक रूम आगे दिखा देता हूँ, आगे आप लोग देख सकते हैं, ये आपका क्लॉक रूम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपका लगेज वगैरह है वो आप लोग यहाँ पे जमा कर सकते हैं। हमारे साथ में काउंटर भी है, आप अंदर आ जाओ। यहाँ पे काउंटर है और जो काउंटर के काउंटर पे जो है वो बैठे हुए हैं भाई साहब, और यहाँ पे जो है कि वो लगेज जो भी होता है आप यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। यहाँ पे घूमने वाले जो लोग भी आ सकते हैं वो लोग यहाँ पे जमा करा सकते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अमित है। अमित जी, यहाँ पे जो लोग घूमने आते हैं वही लोग लगेज वगैरह जमा कराते हैं? हाँ जी। क्या क्या रेट है और क्या किस तरीके का क्या सिस्टम है? 20 रुपए लेते हैं सर। 20 रुपए लेते हैं आप एक लगेज का या एक बैग का? एक बैग का जो है 20 रुपए है। आपने सुना कि यहाँ पे जो है एक लगेज का 20 रुपए है, वहाँ पे आपको स्लिप दी जाएगी और आप यहाँ पे जब स्लिप लेकर के आएंगे तो आपको आपका लगेज वापस दे दिया जाएगा, स्लिप आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। मैं आप लोगों को आगे लेकर के चलता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे बाई तरफ जो है वो मीना बाजार है, और मीना बाजार को आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी तरीके के जो है वेराइटी जो है वो कपड़े वगैरह मिलते हैं। और हमारे साथ में एक चाचा जी जुड़ चुके हैं। चाचा जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सैयद मुनव्वर अली। सैयद जी क्या बताइए यहाँ की क्या खासियत क्या है? मैं खासियत तो यह है कि मैं खुद चेयरमैन हूँ इंतजामिया कमेटी का। अच्छा। ताजमहल की जी। और खास बात यह है कि ये लॉकर है, यहाँ लॉकर में जमा होते हैं। आदमी निशुल्क तो नहीं, लेकिन यहाँ शुल्क लिया जाता है, चूंकि ये ठेके पे उठा है इसलिए यहाँ शुल्क लिया जाता है। शुल्क लिया जाता है, हाँ, निशुल्क नहीं है मतलब। और क्या खासियत है यहाँ पे मीना बाजार की बता सकते हैं? मीना बाजार की खासियत ये है कि मीना बाजार में तमाम चीजें हैं, लेदर का आदमी चीज भी ले सकता है आदमी, जूता है, टी शर्ट है, शर्ट है, और वैसी चीजें हैं। आम दरों से ज्यादा रेट होता है या मतलब बढ़ करके मिलता है? नहीं नहीं, आम दरों से लगभग बराबर ही होता है। बराबर ही होता है। मतलब यहाँ पे आकर के आम लोग भी यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं? हाँ, आम लोग कर सकते हैं, आम लोग करते हैं और कर भी सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकल जी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस समय पुरुष की जो टिकट है वो 50 रुपए है, महिला की टिकट भी वो 50 रुपए है। यहाँ पे टिकटों की लाइन लगी हुई है, जो कि ताजमहल जो देखने वाले जो पर्यटक है वो यहाँ पर आते हैं और लाइन के द्वारा जो है अपनी टिकट का जो है यहाँ से भुगतान करके टिकट ले लेते हैं, और उसके बाद वो लोग ताजमहल जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। अब ये 50 रुपए जो टिकट है, मेरे ख्याल इसके अंदर में जो है, मैं यहाँ पे पूछने की कोशिश करता हूँ, क्या ताजमहल के ऊपर जाने के लिए अलग से टिकट लेना पड़ेगा या 50 रुपए के अंदर ही होगा? हमारे साथ में स्थानीय लोग भी बने हुए हैं, मैं उन लोगों से भी जानने की कोशिश करूँगा। आप भी प्रशासन से हैं, ये जो 50 रुपए की जो टिकट है ये क्या ताजमहल के सिर्फ अंदर के लिए है या ताजमहल के ऊपर जाने तक का ही है? जो मुख्य मकबरा है ना, मकबरा, उसमें 200 रुपए का टिकट अलग है। उसमें 200 रुपए का टिकट आपको अलग लेना पड़ेगा, यानी कि अगर लिया जाए तो 250 रुपए की एक ही बार ले ली, और या तो 200 रुपए की अलग लेना पड़ेगा और 50 रुपए की अलग लेना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे जो 250 रुपए की जो टिकट है वो पूरी आपको मिलेगी, जिसके अंदर में जो मकबरा है, जिसको ताजमहल के नाम से जो आप लोग जानते हैं, उसके लिए आप लोगों को 250 रुपए की टिकट लेनी ही पड़ेगी। बाकी यहाँ पे 50 रुपए के अंदर में लेकर के आप ताजमहल के चारों तरफ जो है आप घूम सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफी संख्या के अंदर में पर्यटक जो है, एक बारी मैं कैमरामैन से कहूंगा अपनी कैमरे को जरा घुमा करके आप लोग इनको दिखा दें, पीछे तक लेकर के जाए। ये लगातार जो है प्रतिदिन इससे ज़्यादा और इससे कम लगातार यहाँ पर मतलब भीड़ बनी रहती है, और भारत के तमाम राज्यों से, क्या देश और विदेश से जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि ये भारत के अंदर में एक ऐसी जो जगह है, जो मकबरा है, जो ताजमहल, वो सातवें अजूबे के अंदर में आता है, इसलिए यहाँ पर देखने के लिए पर्यटकों की जो है लगातार जो संख्या जो है वो लगातार बढ़ती रहती है, और यहाँ पर जो है हर साल जो है वो लगा रहता है। बाकी जो शुक्रवार
का जो दिन है वो यहाँ पर जो है मकबरा जो है इसको बंद कर दिया जाता है नमाज के लिए, और शुक्रवार को जो है यहाँ पे बंद रह जाता है। किसी को अगर नहीं पता है तो हमारी वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो शुक्रवार वाले दिन जो है आप लोग यहाँ पे अगर पहुँचते हैं तो फिर आपको एक रात के लिए आप लोगों को यहाँ पे लगेज वगैरह जो रख करके या आप लोगों को होटल वगैरह या रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर में आप लोगों को वहाँ पर रुकना पड़ सकता है। तो आप शनिवार को आप देखते थे, बाकी हफ्ते के अंदर में जो है वो सिर्फ एक दिन जो है वो यहाँ पे बंद रहता है, वो है शुक्रवार का दिन। हम लोग आगे आप लोगों को लेकर के चलते हैं, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ये पूरा टिकट का काउंटर है और यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप सामने मेरे जो बिल्कुल लाइन लगा हुआ था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग ये देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे टिकट लेने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो बने हुए हैं। मैं इन लोगों से भी एक बारी पूछने का प्रयास करता हूँ, देखने का प्रयास करता हूँ कि क्या लोग क्या सोचते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी। आप ताजमहल देखने आए हैं? हाँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? राजस्थान से आए। पहली बार आए हैं आप लोग? हाँ जी, पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है आप यहाँ पे आए? अच्छा, अभी आपने ताजमहल देखा है या टिकट लेने के लिए खड़े? टिकट लेने के लिए खड़े हैं। तो मतलब अभी जब यहाँ पे पहुँचे हैं अपने यूपी के अंदर में, तो आप लोगों को मतलब कैसा फील हो रहा है कि हम लोग राजस्थान से एक यूपी जगह पे आए हैं, यूपी के स्टेट में आए हैं? जी बताइए। इससे बात करें, क्या नाम है आपका? आशीष पारिक नाम है। आशीष पारिक जी। हाँ जी। आशीष पारिक जी कैसा लग रहा है आप? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे यूपी सरकार को, जो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं कैसी लगी आपको? व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं, पानी की सुविधा हर जगह थी, गर्मी के मौसम में भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई है। हर आने जाने जगह आने जाने के लिए टेम्पो और जो है बसेज है उनकी सुविधाएं बहुत बढ़िया लगी। थोड़ा साफ सफाई का है तो वो 10 में से 8 नंबर में बोलने के लिए कहूँगा कि ठीक है। और थोड़ा बहुत अच्छी बात है कि आपने 10 में से 8 नंबर दिया। भाई साहब जी हमारे साथ बने, क्या नाम है आपका? सौरभ जी कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया है, पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे और देखने में ऐसा लग रहा है अपना ही है जो भी है। जो हम लोगों को एक गर्व सा फील होता है कि हमारा जो 7वां अजूबा है जो हमारे आगरा के अंदर में स्थित है, जो यूपी के अंदर में स्थित है, जिसको हम लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं, और देश विदेश से लोग यहां पर पहुंचते हैं। उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी तक जो लोग यहां पर पहुंच नहीं पाए? एक बार आप आओ, आके अपने जो 7वां 8वां जो भी अजूबा है उसको आप प्यार दो और अपने भारत को भी प्यार दो, बस यही है अपनी तरफ से। जो भारत के अंदर में जो लगातार जिस तरीके से पर्यटकों की जो संख्या जो देश विदेश से लगातार बढ़ती जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक खास अहमियत रखता है। हमारे साथ में भाई साहब जी और जुड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका भाई साहब? नईमुद्दीन जी। नईमुद्दीन जी आप ताजमहल देखने पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं? मैं तो इनके हूँ। यहीं के हैं आप? यहीं के वासी हैं जी। हाँ, क्या मतलब पहले से व्यवस्थाएं यहाँ पे ठीक हुई हैं? देखिए पर्यटकों के लिए यहाँ पर व्यवस्था बहुत ठीक हुई हुई है, काफी अच्छे लोग आ भी रहे हैं यहाँ पर, टूरिस्ट धीरे धीरे बढ़ेगा। अच्छा। और यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी टिकट वगैरह की, जो नेट वगैरह से दिक्कतें आती हैं, उसको भी सुधार हो रहा है। उसका भी सुधार हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि अगले महीने से अच्छा टूरिस्ट आने लगेगा। अभी गर्मी की जो मार है उसके जरिए से काम आ नहीं रहा है। अच्छा, जो बीच में अभी जो महामारी का जो टाइम चला था उस बीच में क्या दौर रहा है यहाँ पे, उसका तो आप पूछिए मत ना, उसको याद दिलवाइए हमें। नहीं, याद दिलाना तो, लेकिन दर्शकों को जानने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर ऐसी महामारी अगर कभी, क्योंकि अभी भी दोबारा एक बारी हो चुका है कि दोबारा कोरोना जो है वो बढ़ रहा है, तो इस स्थिति में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? इस स्थिति में क्या कहना चाहूँगा भाई, यही कहना चाहूँगा अपनी सेफ्टी रखें और अपना जो अकाउंट है उसको जमा रखिए, पूंजी को संभाल के रखिएगा और अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये बीमारी जो है ना कभी पूछ के नहीं आती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ में एक भाई साहब जी और जुड़े हुए, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम फराज है सर। फराज जी कहाँ से आए हैं आप? मैं यही आगरा लोकल। अच्छा, आप आगरा लोकल से ही है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जो पर्यटक लोग आते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पर्यटकों को तो ये सर, यहाँ पर काफी क्राउड का सामना करना पड़ता है क्योंकि अभी तो ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन की वजह से यहाँ कुछ पब्लिक भी नहीं है, कुछ क्राउड भी नहीं है। जब पब्लिक आती है, जब सीजन आता है तो काफी क्राउड हो जाता है यहाँ पर। लेकिन अभी जिस तरीके से यहाँ पे जो टिकट घर है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही काउंटर खुले हुए हैं, एक पुरुष का और एक महिला का, लेकिन अभी यहाँ पे देखा जाए तो क्राउड जिस हिसाब से ज्यादा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, उस हिसाब से खिड़कियाँ और व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं?
होना तो चाहिए सर, होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अभी टिकट काउंटर जो है वो सिर्फ दो ही खुले हुए हैं, एक महिला के लिए एक पुरुष के लिए, यानी कि एक मेल और फीमेल के लिए। तो टिकट काउंटर जो है वो और ज्यादा खुलने चाहिए कि लोगों को जल्दी से जल्दी जो है वो यहाँ पर टिकट लें और जो ताजमहल वगैरह घूमे और यहाँ का जो समय है उसको अपने समय को जो है वो पूरे तरीके से व्यतीत करें। हमारे साथ में एक भाई साहब जी है जो बिल्कुल राजस्थान की पोशाक में आप देख सकते हैं, एक अपने आप में ही एक गरिमा जो है वो राजस्थान की इनके पोशाक से नजर आती है। क्या नाम है आपका भाई साहब? शुभम पारेख। शुभम दीजिए, क्या कहना चाहेंगे आप अपने दर्शकों को जो इस समय आपको देख रहे हैं, राजस्थान के जो लोग आते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? वैसे हर जगह देखनी चाहिए इंडिया में, क्योंकि देखने से ही बाहर की जानकारी मिलती है, अपने एरिया से बाहर निकलना चाहिए। और यूपी, वैसे अभी यूपी का नाम बहुत अच्छा चल रहा है, चल रहा है हर जगह, और सब चाहते हैं कि हमारा राजस्थान भी चाहता है कि हमारा राजस्थान भी यूपी जैसे रहे। बिल्कुल। यहाँ के जो सरकार है, यहाँ के जो नियम है, यहाँ जो फैसले लेते हैं, हमारे राजस्थान में भी हम ऐसा ही चाहते हैं। और इंडिया में जो सारी चीज़ है वो हमें देखनी चाहिए, हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए। अभी भी राजस्थान जो है वो बहुत पिछड़े में आ रहा है, काफ़ी उसके अंदर में व्यवस्था है, क्योंकि राजस्थान के अंदर में भी काफ़ी हमने जैसे बालेश्वर धाम वगैरह हो गया, वहाँ पे भी काफ़ी जो है प्रशासनिक जो है अभी सुविधाएँ नहीं पहुँच पाई हैं। तो प्रशासन से क्या कहेंगे आप अपने राजस्थान प्रशासन से? प्रशासन से तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर वहाँ की जो व्यवस्था होती है वो हम लोगों से होती है, जब हम जाएंगे हमारा कुछ जो योगदान होगा उससे भी मतलब वो उसकी प्रगति होगी हर जगह। और यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो पर्यटक जो लोग हैं, जो जगह जगह से लोग जाते हैं, जो वहाँ की महिमा के बारे में जानते हैं और वो लोग वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि आप लोगों के जाने से ही वहाँ पे उन्नति होगी, क्योंकि आप लोगों को पहुँचना से सही कहा मैंने? हाँ बिल्कुल सही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखा यहाँ पे हम लोग टिकट काउंटर पे खड़े हुए थे और टिकट काउंटर पे हम लोगों ने टिकट ले चुके हैं। अब जो है हम लोग ताजमहल की तरफ हम लोग पहुँचने की कोशिश करते हैं और इसके बाद से हमारे लोगों को माइक जो है वो हमें अपना लगेज जो है वो जमा कराना पड़ेगा। तो हम लोग जो अपने मोबाइल से वहाँ के वीडियो वगैरह शूट करेंगे अपने कैमरे से, उसके बाद में हम लोग आप लोगों को इस वीडियो पर बनाए रखेंगे। आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहिए। खींची है, अरे अंदर चलो यार, गुस्से में आ रहा है। चलो फिर वीडियो भी उतार रहे हैं। हम लोग प्रॉपरली पहुंच चुके हैं ताजमहल के जो पश्चिमी जो द्वार है वहां से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये एंट्री कर लिया हम लोगों ने और ये जो है अब आगे आ चुके हैं और ये देख सकते हैं आप सामने बिल्कुल ताजमहल है, लेकिन मैं अभी बाहर निकल के इधर से फिर दिखाऊंगा, अभी दिख नहीं रहा है। I'm going to go to the hospital.
इनके पैदल नहीं बाहर इनके ले लें। वहाँ से जो है वो लोग निकलते हैं, तो अलग अलग चारों दिशाओं के अंदर में चार गेट है, यहाँ से निकलते हैं। हमारे साथ में कुछ लोग आ रहे हैं, उन लोगों को कैसा लगता है एक्सपीरियंस, मैं उन लोगों से एक बारी बात करने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब, आप ताजमहल घूम करके आ रहे हैं, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। कैसी लगी आपको यहाँ की व्यवस्था? बहुत व्यवस्था भी बढ़िया है, व्यवस्था अच्छी रही। हाँ, मतलब कुछ और दिक्कतों का कोई सामना तो नहीं करना? कोई दिक्कत सामने नहीं, साफ सफाई भी बढ़िया है। कहाँ से आए हैं? अमीरपुर से। अमीरपुर से आज ही आप लोग आए यहाँ पे? जी जी जी, आज अभी और भी आगे घूमना है? हाँ नहीं, अब आज वापस हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद में वापस। क्या नाम है आपका? मुकेश गुप्ता। मुकेश गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, हम लोग उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि जब लोग यहाँ पे पहुँच, जो यहाँ पे अजूबा है उसको देखने के लिए, क्या उन लोगों का जो है वो अंदर से रहता है, क्या रिएक्शन रहता है, कि एक अजब सा एक उल्लास रहता है कि हमें ताजमहल देखना है। ताजमहल एक अपने आप में एक ऐसा अजूबा है जो नाम सुनते ही जो है वो मुगलों का सहनशाह और इन लोगों की जो है वो याद दिला देता है। जिस तरीके से आज आगरा के अंदर में हम लोग पहुँचे, तो हम लोग सिर्फ हमारी यही रहता है कि हम लोग एक बारी पूछे। हाँ जी सर, सर एक मिनट सर, क्या नाम है आपका? पूर्णचंद्र सारंगी। कहाँ से आए हैं सर? उड़ीसा से आए हैं ताजमहल घूमने। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। मैम है आप? मैम आपके, नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? स्नेहलता सड़ंगी। कैसा लगा आपको, कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। पहली बार आए हैं आप? पहली बार आए। अच्छा लगा एक्सपीरियंस। यूपी के अंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत रहा और आप यहाँ पे पहुँचे, और हमें भी अच्छा लगा कि आप लोग जब जगह जगह स्टेट से, जगह जगह राज्यों से जब आप लोग यहाँ पे पहुँचते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। हम खुद दिल्ली से रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों का किस तरीके का एक्सपीरियंस रहता है जब वो लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखा यहाँ पे लोगों का जो है एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा। लोग तमाम राज्यों से जो है यहाँ पर पहुँचते हैं ताजमहल को देखने के लिए, और भी हमारे साथ में लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हम लोग एक बारी उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा। इधर आओ भाई सजीव, आ जाओ। क्या नाम है आपका? आई डोंट नो हिंदी। चलिए कोई नहीं, हमारे साथ में एक अंकल जी भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी जरा पूछने की कोशिश करते हैं। अंकल जी एक मिनट, इधर आइए आप। क्या नाम है आपका? हिंदी नहीं, आपको पता है? आप बताइए, क्या नाम है आपका? शंकर दास जी, कहाँ से हैं आप? हम कलकत्ता से आए। कैसा लगा आपको ताजमहल आप घूमने? बहुत अच्छा लगा। फैमिली के साथ आए हैं? फैमिली के साथ। यूपी आप घूम रहे हैं, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ताजमहल का जो आज पहली बार आए हैं आप लोग? हाँ आज, और अच्छा लगा है सारी पूरी फैमिली? पूरा फैमिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। देख सकते हैं उड़ीसा से लोग, बंगाल से, कलकत्ता से, मद्रास से, चेन्नई से, भारत के तमाम राज्यों से भी, और प्लस उसके बाद में जो वर्ल्ड से जो है लोग यहाँ पर पहुँचते हैं इस अजूबे को देखने के लिए। इसकी खासियत सिर्फ एक ही है कि एक अपने आप के अंदर में जो इसका महत्व है, ताजमहल जो जिसको बोला जाता है। हमारे साथ में और भी लोग जो है हिंदी जानते हैं। क्या नाम है आपका? भानेश्वर पाल। कहाँ से आए हैं आप? कलकत्ता से आए हैं। कलकत्ता कौन सी जगह से आए हैं? कलकत्ता पश्चिम मिदनापुर। पश्चिम मिदनापुर से।
कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहली बार आए हैं आप? पहली बार आए हैं। फैमिली के साथ में आए हैं? फैमिली के साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपका यूपी में घूमने के लिए। हमारे साथ में एक भाई साहब भी जुड़े हुए हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जब ताजमहल आप लोगों ने घूम लिया कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा। कहाँ से आए आप लोग? ऐसे दिल्ली से आए हैं। दिल्ली कौन सी जगह से? पश्चिम बिहार से। यहाँ पर जैसे आए हैं, जैसे पहले भी अगर आप कभी आए होंगे, पहले भी आए हैं कभी आप? जी बहुत बार। तो उस व्यवस्था पे और इस व्यवस्था के अंदर में क्या फर्क है? अब व्यवस्था ज्यादा अच्छी है। इस समय योगी की जो सरकार है उसके उस मुकाबले अभी तक बहुत अच्छी है? बहुत बढ़िया है, बहुत है। क्योंकि योगी और योगी की सरकार के अंदर में जब हम यूपी में प्रवेश कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो हमें देखने को मिलता है कि मूवमेंट जो है वो जारी है। हाँ जी, इम्प्रूवमेंट है। और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे? वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने देखा कि दिल्ली में भारत के तमाम राज्यों से लोग जो है यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अलग अलग वेशभूषाओं वाले लोग भी यहाँ पे पहुँचते हैं, अलग अलग समाज के लोग भी पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जब हम लोग यहाँ पर आकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं और जगह जगह जा कर के अलग अलग राज्यों में जा कर के हम लोगों का सिर्फ रिपोर्टिंग करने का सिर्फ यही मकसद रहता है कि आप लोगों के पास में वो जानकारी पहुँचे जो आप लोगों को समझ आ सके और आप जो है देश विदेश के अंदर में हो या अलग अलग राज्यों के अंदर तमाम राज्यों में जाकर के आप लोग वहां पर घूम सकते हैं और छुट्टियों का जो है वो आनंद ले सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन जितेंद्र गोस्वामी के साथ, मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, दिल्ली न्यूज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।